दोस्तों नमस्कार। टीवी और इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के युवा नेता हैं अवधूत मोरे। आप महानगर पालिका में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हैं और डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर अच्छा अनुभव रखते हैं। इस वक्त जो मुंबई में सबसे बड़ी समस्या उभर कर जो आई है वो रो हाउसेस के रिडेवलपमेंट को लेकर है और एडिशनल अल्ट्रेशन के बाद जिस तरह से उसकी परमिशन और एनओसी नहीं मिल रही है उसको लेकर है। हम इन्हीं से सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रभाग 64 का इलाका है वासी का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर रो हाउसेस हैं और वहां पर जो डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम अभी खड़ी हो रही है उसको लेकर आप प्रयास भी कर रहे हैं। सर, किस किस तरह की दिक्कतें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने ये एडिशन अल्ट्रेशन ये विषय पर सबसे बात की थी। देखिए, एडिशन अल्ट्रेशन ये आज के तारीख में यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ताकि इससे उनका जो बढ़ा हुआ परिवार है वो एक साथ इकट्ठा रह पाए। तो उसे ये एडिशन अल्ट्रेशन से अभी जो महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो नया FSI बढ़ा के दिया है, UDCPR और UDCPR में नए प्रोविजंस किए हैं, उसके अनुसार आज ये एडिशन अल्ट्रेशन का बेनिफिट लेना बहुत इजी हो गया है लोगों के लिए और उनका जो स्वप्न था वो पूरा कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन इस पे आज अड़चन जो आ रही है वो सिडको की NOC की। NOC सिडको नहीं दे रही है, क्या टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसको लेकर ये समस्या है? मैं गया था सिडको के पास तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि सिडको ने बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जो रो हाउस है वो उन्होंने आपको बेचा है, नहीं तो भाड़े पे दिया है, वो लैंड जो है वो आपका नहीं है, आपको हमने नहीं दिया है। मैं बहुत ही मतलब मुझे शॉक लगा ये सुन के सिडको ने जो उत्तर दिया उस पर सिडको के अधिकारियों ने। अरे, इसलिए उसे नहीं मिलना है। हाँ, वो बोल रहे कि आप स्ट्रक्चर के ऊपर जो FSI आपको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है कि प्लॉट एरिया पे आपको उसका FSI मिलेगा। अभी ये स्ट्रक्चर आपने हमको बेचा है, नहीं तो हम लोग लीज पे है, वो स्ट्रक्चर आपने प्लॉट का FSI पकड़ के ही बनाया है ना। यस। और आज आप ये कारण दे रहे हो हम लोग को, मतलब ये लोगों को फंसाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे इनके बहुत गलत इरादे है कि ये अपने से लोगों से ज्यादा पैसा लूटना चाहते हैं। देखिए, आपने फ्लैट बेचे बिल्डिंगों में, तो फ्लैट बेचे, आपने जमीन नहीं बेची थी, तो रीडेवलपमेंट में आप उनको कैसा NOC दे रहे हो? सिडको NOC उधर कैसा दे रहे हो आप? मतलब इसका कारण है वो बड़ा पैसा है, बड़ा सोसाइटी को NOC मिल रही है, तो वो बड़ा पैसा है। और रोजेस ये एक आम आदमी का एक इंडिविजुअल है, उसमें आपको रेवेन्यू कम मिल रहा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इनके प्लॉट का भी पैसा आज हम इनसे उगा लो। एक चीज जो आपके कहने से जो समझ में आ रही है कि जो मुंबई में अभी रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है तो जो सोसाइटियां हैं उनको तो सिडको NOC दे रही है, लेकिन रो हाउस जो धारक हैं उनको NOC नहीं दे रही है। क्या इस तरह की यहाँ से कोई पहल की गई थी आपके प्रभाग में? देखिए, हमारे यहाँ के काफी रो हाउसेस लोगों ने परमिशन डाली, NMMC में परमिशन लेने के लिए, सब नियम से काम करना चाहते हैं, लेकिन NMMC ने जो उनका प्रोसीजर है उसमें रेफ्यूजल दे दिया, उसमें दिया है सिडको का NOC लाना जरूरी है। अब ये NOC क्या है? NOC मतलब ये इंटीमेशन है सिडको को कि यहाँ कुछ FSI यूज किया जाने वाला, आप ओनर है ना लैंड के, इसके लिए ये सिर्फ एक प्रोविजन है, सिडको को सिर्फ NOC देना है एज अ ओनर। लेकिन सिडको बोलती है हम हमारा अभी तक कुछ पॉलिसी बनाना है। काहे का पॉलिसी? आप सिर्फ ओनर है, आपको सिर्फ इंटीमेशन देने के लिए ये NOC मांग रहे हैं। तो लोगों को ये लोग इलीगल स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे और मैं NMMC के आयुक्त साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लानिंग अथॉरिटी, NMMC इज अ प्लानिंग अथॉरिटी और सिडको इज द ओनर, लेकिन प्लानिंग अथॉरिटी का जो प्लानिंग है पूरा बिगड़ जाएगा सिडको के वजह से, क्योंकि लोग इस पे इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि उनको मिल रही नहीं है परमिशन। आज उनका परिवार बड़ा है, वो लोग घर बनाएंगे। मैं NMMC के कमिश्नर साहब को ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी घर पे हथौड़ा घुमा नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने परमिशंस के लिए फाइलें डाली है, लेकिन ये सिडको है जो एक तानाशाही आज तानाशाही कर रही है। नवीन भाई, महानगर पालिका आयुक्त से आप किस तरह की मांग करना चाहते हैं, चूंकि वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो
महानगर पालिका है, तो आयुक्त से आप किस तरह की डिमांड करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं आयुक्त साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को अभी एनओसी नहीं मिल रही है उसके वजह से लोग आपके पास नहीं आएंगे और वो इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलीगल स्ट्रक्चर बना उसमें महानगर पालिका का नुकसान है क्योंकि लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेंगे और आपका रेवेन्यू नुकसान है। तो आपने इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेके आपने ये सिडको के पास अपने जो भी अप्रोच करना चाहिए अपने, क्योंकि एनएमएमसी का ही लॉस है और इसके वजह से लोगों का भी फायदा होगा आप उधर जाने के। आपने कहा कि तानाशाही है सिडको की और मनमानी है, जबकि एनओसी के लिए ऑलरेडी आवेदन दिए गए हैं, इसके बावजूद भी सिडको जो रिफ्यूजल दे रही है वो उसका क्या कारण बताया गया है? सिडको के पास फाइल के लिए जा रहे लोग तब वो उन पे दिखाते कि एमडी साहब को भेजा, एमडी साहब ने ये लिख के भेजा है। अच्छा। अरे हम बोल रहे हैं आपको देना है तो दो, नहीं तो रिफ्यूज तो करो। आप रिफ्यूज भी नहीं कर रहे हो, बोलते नहीं हमको देना है। मतलब क्या पॉलिसी बनाना चाहते हो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और ये सब लोग 40-40, 50-50 साल से इधर रह रहे, सब बुजुर्ग लोग है, पूरे आर्किटेक्ट आज नवी मुंबई के परेशान है, पूरे लाइजनर्स लोग परेशान है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरे वार्ड तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा आखे नवी मुंबई का है, सानपाड़ा, नेहरू, लायरोली, पूरा नवी मुंबई का मुद्दा है। इसमें क्या क्या प्रोविजन क्या है, क्या इसके पहले कभी सिडको ने किसी को एनओसी दी है, या जिस तरह से सोसाइटियों को एनओसी दी जा रही है उसी तरह से इंडिविजुअल जो रो हाउस ओनर है उनको भी एनओसी मिलनी चाहिए, क्या प्रोविजन क्या है? आपने बहुत अच्छा चीज बताया। आज तक मतलब 2014 तक, 2014-15 तक सिडको एनओसी दे रही थी, तो आज अचानक उनको समझ में आया कि ये प्लॉट हमने बेचा नहीं आपको। मतलब आज लोग वरांडा यूज कर रहे हैं, बैकयार्ड यूज कर रहे हैं, ये सब इलीगल है। आप कहना क्या चाहते हो, आप ओनर हो इसलिए आप हम लोग को गुलाम बनाना चाहते हो? मतलब दादागिरी कर रहे हो, सिडको ये दिखाना चाहती है कि आज भी आप सर, आज एक एनओसी देना है सिर्फ उनको, एनएमएमसी इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट, आप ओनर हो मतलब क्या आप हमारे पे दादागिरी थोड़ी करोगे? आप निर्णय ले रहे हो, 2 साल से किसी को निर्णय लेने को मतलब टाइम नहीं है किसी के पास। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ा कारण है कि सिडको एनओसी नहीं दे रही है, बड़ा कारण क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो दो ही कारण लग रहे हैं। एक तो आप उसी ग्राउंड्स पे जो महाराष्ट्र सरकार ने जो नए एफएसआई बढ़ाया है, एंसिलरी एफएसआई दिया है, वो सब दिया है, उससे रीडेवलपमेंट के लिए आपने एनओसी दिया ताकि उधर उधर भी आपने उधर आपको फ्लैट ही आपने बेचे थे लोगों को, तो फिर कैसा प्लॉट एरिया का ये दे रहे हो आप, फायदा दे रहे हो? वैसे ही रो हाउसेस भी, तो ये उनको उधर बड़ा पैसा दिख रहा है, इधर छोटा पैसा दिख रहा है। और ये इनको ये जो रो हाउसेस का प्लॉट एरिया है उससे भी लोगों से ज्यादा रेवेन्यू वसूल करना है, कमाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सिडको अभी भी मान रही है कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन था उसे बेचा है जबकि लैंड नहीं बेचा है, लेकिन अगर प्रोविजनली देखें तो एफएसआई जो होती है वो लैंड पर होती है 100%। तो इसका मतलब है सिडको आज भी आपको टेनेंट बना के रखना चाहती है, ऐसा है इंडिकेशन सिडको का? वो बोलते स्ट्रक्चर बेचा, अरे स्ट्रक्चर क्या हवे पे थोड़ी बनाया है, एक प्लॉट एरिया का एफएसआई यूज करके स्ट्रक्चर बनाया है, आपने ही डीमार्केशन करके दिया। हाँ। ये प्लॉट, ये रो हाउसेस किसने डीमार्केट किए? सिडको ने किया। यस, तो अभी आप बोल रहे हो ये हमने आपको ये नहीं बेचा, फिर काहे के लिए दिया वो डीमार्केशन करके? ये सीधा सीधा फंसा रहे लोगों को और ये ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटना चाहते हैं एज अ रेवेन्यू हम लोग से। हम लोग लीज पे, वो दिखाना चाहते हैं हम लोग ओनर है, आप लीज पे हो, आप हमारे आगे ऐसे ही घूमते रहो, यही बताना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने UDCPR ये लॉन्च किया और नगर विकास मंत्रालय ने इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो भी एडिशनल अल्ट्रेशन किया गया, एडिशनल डेवलपमेंट किया गया है उसको परमिशन मिले और वो लीगल हो, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन जो सिडको की ये धारणा है या सिडको का जो ये जो तरीका है काम करने का, आपको लगता है कि ये सरकार के खिलाफ सिडको जा रही है? सरकार का प्रयोजन है कि लोगों को फायदा हो और सिडको का मकसद है पैसा कमाया जाए। सर देखिए, लोगों की जो बहुत सालों से मांग थी, जो सपना था कि हमें रीडेवलपमेंट
में हमारा एरिया बढ़े, हमें नया घर बने, हमें नई प्रोविजंस मिले, ये महाराष्ट्र सरकार ने पूरी की, FSI बढ़ा के। तो आज महाराष्ट्र सरकार ने जो लोगों के लिए प्रोविजन दिया है, तो ये सिडको जैसी संस्था है जो आज हम सबकी मालिक है, जो इधर की ओनर है, वो हमारे काम को अड़ा रही है। तो जैसे दो सालों से आप बता रहे हैं कि फाइल जमा है, ना तो रिफ्यूजल हो रहा है, ना परमिशन मिल रही है, तो इससे इम्पैक्ट किस तरह का, नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह का पड़ रहा है? तो जाहिर सी बात है, जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। सर देखिए, आज आर्थिक परिस्थिति लोगों की अच्छी नहीं है, लोग अपने बच्चों को नया घर नहीं ले सकते, और वो अपने जो इतने साल की बनाई हुई पूंजी है उससे वो एक जो महाराष्ट्र सरकार ने उनको प्रोविजन दिया उससे वो अपना घर एडिशन अल्टरेशन करके एक रूम बढ़ाएंगे, उधर उनके बच्चे रहेंगे उनके साथ। तो आज जो उनको तो करना ही है, और महाराष्ट्र सरकार ने किया, इन्होंने जगह अगर अड़ाया तो इलीगल घर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इलीगलिटी पे जाएंगे, और फिर उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करने को आओगे, लेकिन ये गलत है। लोगों को जो प्रोविजन किया गया है वो उनको देना चाहिए। इसलिए NMMC के आयुक्त साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये टॉपिक में सिडको से बात करिए। अगर महानगर पालिका और सिडको के जरिए लेट हो रहा है, तो क्या आप अपर लेवल पर जो सरकार में, चूंकि आपकी पार्टी भी गवर्नमेंट में है, CM आपके हैं, नगर विकास मंत्री आपके हैं, तो उनके पास किस तरह से ये पहल करने वाले हैं आप? नहीं, हमारा जो शिष्टमंडल है वो खासदार साहब के पास उन्होंने अप्रोच किया है, और अभी MD साहब से उन्होंने, सिडको MD साहब से उन्होंने अपॉइंटमेंट भी ली है। तो जल्द से जल्द ये 2 दिन में उधर हमारा विजिट है, मीटिंग है, तभी हम ये सब मुद्दे प्रस्तुत करेंगे। नगर विकास मंत्री से आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें? नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। उन्होंने लोगों के लिए इतना बढ़िया जो सपना था वो पूरा कर दिया। अभी ये चीज है सिडको तक, तो सिडको को अभी हम प्रश्न पूछेंगे ना कि इतने 2-1.5 साल में ये जो प्रोविजन किया है महाराष्ट्र सरकार ने, आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? आपको सिर्फ NOC देना है, NOC देने के लिए पॉलिसी थोड़ी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, NOC देना, वो तो इंटीमेशन है सिर्फ, इंटीमेशन, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर ये रीडेवलपमेंट को इस तरह से सिडको के NOC अगर फ्रीली मिलती है, तो आपको लगता है कि मुंबई में एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कम होंगे, लोग रेगुलरिटी में जाएंगे, और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि जो पुरानी उनकी इमारतें हैं या जो कम पड़ रहे घर हैं उनका विकास आसानी से होगा? सर 100% इलीगलिटी कम होगा, किसको डर से जीना है पूरे लाइफ टाइम? सबको अपना घर बनाना है, लीगली बनाना है। तो ये जो FSI में बढ़ोतरी हुई है, जो 0.6 FSI, जो एंसिलरी FSI मिल रहा है, तो ये लोगों के लिए दिया है जिससे लोगों का फायदा होने वाला है। तो उसको ये सिडको अड़ा रही है आज। सिडको ने ये तानाशाही रुकाना चाहिए उनका। क्या अपील करेंगे आप सिडको MD से? जल्द से जल्द ये FSI का मुद्दा, उस पर NOC का हल निकाले। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसे कि आपने सुना कि राज्य सरकार ने UDCPR के जरिए एडिशनल अल्ट्रेशन और रीडेवलपमेंट के लिए अच्छा प्रोविजन कर दिया है, लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन सिडको चूंकि यहाँ की लैंड ओनर है और वहां से उसके NOC की जरूरत है, लेकिन सिडको कई सालों से इसका NOC नहीं दे रही है, और इसकी वजह से लोग काफी मुसीबत में है, मुश्किल में है। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सिडको इस पर गंभीरता से सोचेगी, क्योंकि यह मामला गंभीर है और इस पर गंभीर निर्णय की जरूरत है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।